मेट्रोमी की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे आयरा जैद से साफ साफ कह देती है कि जैद तुम्हें क्या लगता है कि मुबशरा के होते हुए मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है, तुम मेरी जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ, बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ। सिर्फ आयरा की खुशी की खातिर जैद उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस करना शुरू कर देता है। इधर आयरा जैद के डैड के रवैये से तंग आकर दोबारा उस घर में चली जाती है, यहाँ तक कि रायान भी वहाँ पर ही मौजूद होता है। रायान तो आयरा को धक्के देकर वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बात वो अच्छी तरह से जानता है कि सिर्फ आयरा की वजह से जैद अपनी जिंदगी में मुबशरा को जगह देने के लिए तैयार नहीं। आयरा रायान से कहती है, मुझे हाथ भी मत लगाना, मैं यहाँ पर सिर्फ जैद के डैड से बात करने के लिए आई हूँ, आपको क्या लगता है कि आप ये सब कुछ करेंगे? और मैं सबके बारे में जैद को नहीं बताऊंगी, मैंने सिर्फ आपके कहने पर जैद से शादी करने से इनकार कर दिया, उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गई, लेकिन फिर भी शायद आपके दिल को सुकून नहीं मिला, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज जैद मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा, और तुम मुझे ही कह रही हो कि तुम मेरी हकीकत जैद के सामने खोल दोगी।